आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पांचवें चरण का मतदान जारी, 7 राज्यों की 51 सीटों पर हो रहा है मतदान। 1 बजे तक 40.59% हो चुका है मतदान। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 40.58% हुआ है मतदान। बिहार के छपरा में एक शख्स ने ईवीएम को तोड़ा। पोलिंग बूथ नंबर 131 पर हुई घटना। ईवीएम तोड़ने वाले शख्स का नाम रंजीत पासवान, हुआ गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में मतदान के बीच हिंसा की खबर। बैरकपुर में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का लगाया आरोप। वहीं बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा उनके ऊपर हमला करने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में हिंसा के बाद बीजेपी जाएगी चुनाव आयोग, दोबारा मतदान कराने की मांग। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी हार रही हैं और इस वजह से चुनाव में गड़बड़ी करा रही हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीटा गया है और काफी वोटरों को बूथ तक नहीं जाने दिया गया है। पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। पर्चा खारिज करने के खिलाफ दायर की थी याचिका। वाराणसी से सपा के टिकट पर मोदी के खिलाफ भरा था पर्चा, जो रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवाती तूफान फोनी के बाद ओडिशा में हुए नुकसान और स्थिति का जायजा लिया। फोनी के कारण मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 34 पर पहुंच गया है। इस बीच मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने फोनी से निपटने के इंतजामों पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तारीफ की और केंद्र सरकार द्वारा हर संभव मदद देने की बात कही। प्रधानमंत्री ने फोनी से प्रभावित इलाकों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए और देने का ऐलान भी किया। इससे पहले केंद्र सरकार ने 381 करोड़ रुपए की सहायता दी थी। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ शिकायतों पर चुनाव आयोग के फैसले के मामले में सुप्रीम कोर्ट 8 मई को सुनवाई करेगा। कांग्रेस ने मोदी और शाह के भाषणों में आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। 2 मामलों में चुनाव आयोग क्लीन चिट दे चुका है। भारतीय नेवी की बड़ी ताकत स्कॉर्पियन क्लास की चौथी पनडुब्बी आईएनएस वेला हुई लॉन्च। भारत 6 पनडुब्बियों को उतारने वाला है, जिसमें से वेला है चौथी पनडुब्बी। नौसेना की ताकत में होगा काफी इजाफा। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 350 अंकों से ज्यादा टूटकर 38,650 पर खुला, तो निफ्टी भी 100 अंकों से ज्यादा गिरावट के साथ 11,600 के स्तर पर। कम नंबर पाकर भी प्लेऑफ में जगह बनाने में कामयाब रही हैदराबाद की टीम। ऐसा करने वाली आईपीएल की पहली टीम बनी हैदराबाद। मात्र 12 अंक होने के बावजूद बनाई प्लेऑफ में जगह। बेहतर रन रेट होने का मिला फायदा। विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले की सारी टिकट 48 घंटे में बिकी। 16 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच इंग्लैंड में हो रहा है मैच। 30 जून से है विश्व कप की शुरुआत। बता दें कि पाकिस्तान भारत को विश्व कप में कभी नहीं हरा पाया है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यनिधि.com के साथ।